बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेंटा या मेरिंडा कोई भी ऑरेंज के फ्लेवर में हम आज केक तैयार करेंगे, जिसमें हम ये फेंटा मेरिंडा कोई भी ऑरेंज सोडा जो होता है वो यूज़ किया जा सकता है, या आपके यहाँ कोई और भी आता हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। केक की बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका वही तरीका है। मैंने 1.5 कप 6 अंडों का केक बना रही हूँ, 1.5 कप 1.5 कप शुगर ली है, 1.5 कप ही मैदा जाएगा, 1 टीस्पून भर के या 1 टेबलस्पून हल्का हल्का बेकिंग पाउडर जाएगा, 3/4 कप ऑयल जाएगा इसमें, और जैसे मैं बता चुकी हूँ 6 अंडे जाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले चीनी और तेल को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको ग्राइंड करना है। मैदे को और बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लेंगे और इसको फिर केक में हमने हल्की स्पीड में शामिल करना है। अभी तक हमने स्पीड तेज रखी हुई थी क्योंकि अंडे फ्लफी उसी वक्त ही होते हैं जब तेज स्पीड की जाए, और साथ हमने मेरिंडा भी शामिल कर चुके हैं उसमें, तो वो फ्लफी हो चुका है। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करना है। केक का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने सांचे में इसको डाल के इसको 150 पे हमने ओवन को ऑलरेडी गर्म किया हुआ था, उसमें हमने पहले 15 मिनट के लिए रखना है। मैंने जैसे बता चुकी हूँ कि हीट के ऊपर भी होता है, तो उसके बाद चेक करके फिर हम इसको दोबारा चेक करेंगे, और फिर अगर ज़रूरत हुई जिस तरह जैसे ही ये पक जाएगा जब हम निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, केक हमारा रेडी हो चुका है, जो कि हमारा गैस ना होने की वजह से मैंने पतीले में बनाया है, तो 1.5 घंटा लगा है। गैस के ओवन में अगर बनाएंगे तो 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा, जबकि चूल्हे के ऊपर पतीले में बनाएंगे तो 1.5 घंटा जरूर लगता है। मेरा भी 1.5 घंटा लगा है, उसको हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो जब तक इसके ऊपर का सॉस तैयार कर लेंगे, ऊपर के सॉस के लिए मैंने 1 कप फेंटा ऑरेंज सोडा जो कोई सा भी ले लें वो ले लेना है, साथ इसमें जाएगी 4 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर जिसे कहते हैं, 4 टेबलस्पून वो जाएगी। बस इसको मेल्ट होने तक हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, और फिर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है इसको हमने घोल के वो डालना है, और ये सॉस फिर रेडी हो जाएगा इसका। सॉस में उबाल आना शुरू हो गया है, अब कॉर्नफ्लोर जो रखा हुआ था वो डाल देंगे इसमें, और इसको फिर जल्दी जल्दी चम्मच चलाना होता है इसको ताकि गुठलियां ना पड़े। बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है कि हम बिल्कुल गुठलियां जमा जमा जो हो जाता है वैसा नहीं, हल्का सा लिक्विड रखना है क्योंकि केक के ऊपर हमने इसको स्प्रेड करना है, और बस सॉस हमारा फिर रेडी हो जाएगा। बस केक देखें कितना सॉफ्ट केक तैयार हुआ है, इसके ऊपर हमने ये सॉस अपना डाल देना है, और बस चाय के साथ इसको सर्व किया जाता है। सारा सॉस डाल के बस इसको चाय के साथ सर्व किया जाएगा, ये केक रेडी हो चुका है। सॉस भी अपने पसंद के ऊपर है, अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा सॉस ही नहीं पसंद हो तो आप सॉस बचा लें। बस जैसे मैंने बताया चाय के साथ इसको थोड़ा सा, इसका सॉस जो है अभी गर्म है, ठंडा हो जाएगा जब हम सर्व करेंगे, और बस इसको पे व्हिप क्रीम वगैरह की जरूरत नहीं होती, ये नॉर्मल बस ये केक तैयार हो गया है, और बहुत कम खर्चे में इसलिए तैयार हो जाता है कि व्हिप क्रीम ज्यादा महंगी आती है।
बस उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।